न्यूज क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता को समर्थन दीजिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए ज्वाइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबरशिप को ग्रहण कीजिए आपके सामने तीन विकल्प हैं। नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज चक्र और एक बार फिर मैं अपने दर्शकों का तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस मुश्किल वक्त में आप न्यूज क्लिक की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं हमारे हाथ मजबूत कर रहे हैं और इसी तरह से हम जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे और आज जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों कहने को बात है कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदुरप्पा के इस्तीफे की मगर यह मुद्दा बहुत बड़ा है दोस्तों दो साल तक सिर्फ दो साल तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने रहने के बाद इस शख्स येदुरप्पा ने आखिरकार पद से इस्तीफा दे दिया इसके मायने क्या है दोस्तों और आज इस्तीफे इस के चलते कई लोग कटघरे में खासकर हमारी मीडिया मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि येदुरप्पा आज से करीब दो साल पहले मुख्यमंत्री बने थे जब कांग्रेस और जेडीएस की सरकार को साम दाम दंड भेद से हरा दिया गया था आपको याद होगा ढेरों ऐसे वीडियो सामने उभर कर आए थे जिसमें खुद कथित तौर पर येदुरप्पा जो हैं नागन गौड़ा नाम के एक एमएलए से बात कर रहे थे कि अगर तुम मेरी पार्टी में आ जाओ तो मैं तुम्हें करोड़ों रुपए दूंगा और खुद एच डी कुमार स्वामी ने इस बात की आशंका जतलाई थी जो उस वक्त जेडीएस और कांग्रेस के सीएम थे और उसी दौरान दोस्तों एक और दिलचस्प चीज होती है जिसका पता हमें अब जाके पता चला है उस वक्त यानी 2019 में पेगसिस के जरिए इसराइली सॉफ्टवेयर इसराइली जासूसी तकनीक पेगसिस के जरिए इन तीन शहरों की जासूसी करवाई जा रही थी आपके स्क्रीन पर यह है सिद्ध रमैया इनके सेक्रेटरी की कथित तौर पर फोन जो है उसकी पेगसिस के जरिए जासूसी करवाई जा रही थी या कोशिश की गई थी अब आपके स्क्रीन पे एच डी कुमार स्वामी जो कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे इनके भी सेक्रेटरी की जांच कराई जा रही थी और अब दोस्तों आपके स्क्रीन पर हैं जी परमेश्वरा जो कि उस वक्त के डेप्यूटी सीएम थे उनके भी फोन की कथित तौर पर पेगसिस के जरिए जांच कराई जा रही थी हैक कराया जा चुका था और यही नहीं ये यह वो दौर था जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के फोन को भी पेगेसिस के जरिए निशाना साधा गया था इसलिए मैंने कार्यक्रम में मैंने आपको कहा कि 2019 तक जो कांग्रेस और जेडीएस की सरकार थी उसे साम दाम दंड भेद से बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के जरिए हरा दिया और अब दो साल बाद उस येदुरप्पा को भी हटना पड़ा येदुरप्पा वो नेता हैं जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण भारत में पांव जमाने में मदद मिली थी आज उसी येदुरप्पा को इन्होंने पद से हटा दिया था और मैं आपको बताता हूं क्यों और इसके मायने क्या हैं? दोस्तों येदुरप्पा कहने को भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं मगर येदुरप्पा किसी भी कीमत पर सांप्रदायिक नहीं है वो लिंगायत समुदाय के एक नेता जरूर थे जातिवादी नेता उन्हें आप कहा कह सकते हैं मगर सांप्रदायिक नेता कभी नहीं थे उनके मुंह से उनके काम से कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि उन्होंने किसी तरह से कुछ मुस्लिम विरोधी काम देखा होगा जबकि आपके स्क्रीन पर यह है तेजस्वी सूर्या कर्नाटक से सांसद हैं आप देख सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में एक कथित तौर पर बेड स्कैम में वो एक सेंटर में घुस जाते हैं कोरोना सेंटर में घुस जाते हैं और वहां पर मुसलमानों के नाम पढ़ने शुरू कर देते हैं और उसके बाद 20 मुसलमानों को हटा भी दिया जाता है बाद में जब सोशल मीडिया में इसको लेकर बवाल होता है तो यह शख्स तेजस्वी सूर्या फिर माफी मांगने के लिए सामने आ जाता है कि मुझसे गलती हो गई उस वीडियो की एक छोटी सी झलक देखिए दोस्तों कि अब येद्रप्पा जाने के बाद कर्नाटक के अंदर आर किस तरह से अपना तजुर्बा बेलाग करने वाली है बेधड़क करने वाली है देखिए उस वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा मोहम्मद अलसाई सईद उमेर खान सलमान खुरीफ जमीर पाशा जबी उल्ला खान सैयद हसनैन सैयद हस शाहिद शहीद शबास एमडी डी यूनस सैयद मोइन शाह सैयद मुयेश शाह अलसाइन तो देखा आपने यहां पर तेजस्वी सूर्या मुसलमानों के नाम पढ़ रहा था खुलेआम एक सांप्रदायिक काम तो आज मैं एक सवाल और करना चाहता हूं येदुरप्पा जाने के बाद एक बात तय है कि अब आरएसएस का काम चलेगा क्योंकि ये दो लोग बी एल संतोष और तेजस्वी सूर्या लगातार येद्रप्पा के पीछे पड़े हुए थे उनके पार्टी के कई नेता येद्रप्पा से खुश नहीं थे मगर जो उससे भी बड़ा सवाल है मीडिया इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहा है क्योंकि आपके स्क्रीन पर ये हैं तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री इनको हटाकर अब इस शख्स जो आपके स्क्रीन पर हैं पुष्कर धामी उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया उत्तराखंड का मगर सबसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हां आदमी जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है वो मुख्यमंत्री था यानी कि दो या तीन महीनों में तीन मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बदल दिए गए दो साल में कर्नाटक के अंदर मुख्यमंत्री बदल दिया गया अब मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर इन दो शहरों पर गौर कीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य ये दोनों मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को अपना मुख्यमंत्री नहीं मानते लगातार वो ये बात कहते हैं कि भाई अभी हम किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे अभी तो बहुत जल्दबाजी है यानी कि ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है योगी आदित्यनाथ को अपना मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहा था जिसमें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की जीत हुई कम से कम अभी के लिए जीत हुई क्योंकि आठ महीने बाद चुनाव है मगर आपने क्या किसी चैनल में इस चीज को लेकर चर्चा होते हुए सुना था इन तीन राज्यों की मैंने आपको दास्तान बताई है कर्नाटक उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश क्या इसको लेकर मीडिया में सिर्फ सिर्फल होता है मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं होता है दोस्तों क्योंकि बदनसीबी से मीडिया खासकर गोदी मीडिया सत्ता की पालतू बन गई है और कैसे मैं आपको बताता हूं आपके स्क्रीन पर ये जी न्यूज की खबर देखिए दोस्तों ये कोई खबर है करने वाली कालू को मंदिर में लाने के तीन महीने बाद ही सीएम बने योगी यहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के पसंदीदा कुत्ते की चर्चा की जा रही है आगे देखिए दोस्तों ये खबर और ये खबर 25 जुलाई की है आप आज से चार साल पहले करते तो बात समझ आती अब आप क्यों कर रहे हैं खबर न्यूज एटीन उत्तर प्रदेश सीएम योगी को देखकर दौड़ा चला आया गुल्लू सोशल मीडिया पर बना सेलिब्रिटी एक और कुत्ता एबीपी गंगा देखे इंटरनेट सनसनी बन गया है सीएम योगी का पालतू कुत्ता गुल्लू सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी तस्वीर अब आप कहेंगे कि भाई मीडिया क्यों मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के कुत्तों की बात कर रहा है आखिर क्यों गुल्लू और कालू की बात कर रहा है तो आपके सामने हकीकत यह आंकड़ा जो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों यह आंकड़ा खुद उत्तर प्रदेश सरकार का है कि पिछले एक साल में इन्होंने कितने करोड़ रुपए मीडिया हाउसेस को दिए आपके स्क्रीन पर न्यूज एटीन जो कि बात कर रहा था गुल्लू और कालू की उसे करीब ग्यारह करोड़ रुपए दस करोड़ छियानवे लाख आज तक को दस करोड़ रुपए इंडिया टीवी को नौ करोड़ रुपए जी न्यूज अभी अभी दिखाया आठ करोड़ उनहत्तर लाख रिपब्लिक भारत आठ करोड़ एबीपी न्यूज सात करोड़ चौबीस लाख देखा आपने इनमें से तीन चैनल्स बात कर रहे थे गुल्लू और कालू की इसलिए दोस्तों कभी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी राज्य की चर्चा मीडिया नहीं करता कभी नहीं करता है दोस्तों अब आप बताइए ना जब मीडिया ने गुल्लू और कालू का किरदार अदा करने की ठान ली हो तो सत्ता से कैसे सवाल होगा भारतीय जनता पार्टी से कैसे सवाल होगा क्योंकि मैं आपको बता दूं मुख्यमंत्री येदुरप्पा अब तो फॉर्मर सीएम हो गए उनका पद से जाना एक बहुत बड़ी खबर है पहले आप एक राज्य की सरकार उसे हटा देते हैं उसके बाद दो साल सरकार चलाते हैं फिर उस मुख्यमंत्री को हटा देते हैं क्या इसको लेकर मीडिया को भारतीय जनता पार्टी को कट घरे में रखना चाहिए नहीं करना चाहिए अब इन दो चेहरों पर गौर कीजिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र इन दोनों में छत्तीस का आंकड़ा है कैबिनेट की बैठक में इन दोनों की लड़ाई होती रहती है मगर क्या आपने कहीं मीडिया को इन्हें कटघरे में रखते हुए खड़ा करते हुए देखा है मध्य प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं हिंदू की खबर देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर पढ़ के सुनाना चाहता हूं एक्सेस डेथ्स इन वेस्ट बंगाल इलेवन टाइम्स ऑफिशियल कोविड टैली यहां बात वेस्ट बंगाल की हो रही है मगर खबर जो है अंदर है खबर क्या पढ़ के सुनाना चाहता हूं अखबार द हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट में तथ्य सामने आया है रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में अप्रैल 2018 से मई 2019 की समान अवधि की तुलना में कोरोना काल यानी अप्रैल 2020 से मई 2021 तक एक लाख बानवे हजार चार अतिरिक्त मौतें हुई थीं। मौतों की यह संख्या इस अवधि में कोरोना से हुई मौतों के सरकारी आंकड़े आठ से करीब तेईस गुना ज्यादा है होश जोश की खबर देखिए मध्य प्रदेश में कोरोना के सरकारी आंकड़ों से तेईस गुना ज्यादा मौतें भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में इस तरह से खबरें छुपाई जाती हैं कुछ सीमित अखबार हैं कुछ सीमित पोर्टल्स हैं जिसका जिक्र मैंने अभी, अभी अभी आपको किया वो इस खबर को आपके सामने लेकर आए हैं आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं क्या आपको नहीं लगता कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरह से बिखराव हो रहा है वहां पर हालात इस तरह से संगीन है तो मीडिया को शिद्दत के साथ गंभीरता के साथ उसका विश्लेषण करना चाहिए वो इससे क्यों बचते हैं मुझे बताइए ना क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत बन गई है जिम्मेदारी से बचने के लिए मगर न्यूज क्लिक में हमारा मकसद है खासकर न्यूज चक्र जैसे कार्यक्रमों में बोल के लब आजाद हैं जैसे कार्यक्रमों में कि हम मुद्दे के मर्म तक पहुंचे उसका एनालिसिस करें पर्दे के पीछे जो ताकतें खेल करती हैं उनका हम पर्दाफाश करें वो चेहरे आपके सामने लेकर आए और यही हमारी कोशिश लगातार रहती है अब शर्मा को दीजिए इजाजत नमस्कार